आप है ना हेलो गाइस, एक थोड़ी गा रहे हैं और आप लोगों वीडियो का बना रहे स्वागत हैं है न्यू तो व्लॉग में। और हम लोग घूमने जा रहे हैं, अभी आप लोगों को आगे का सीन दिखाते हैं। अभी DLF रास्ते में हैं और ये आप लोग देख सकते हैं पूरा। हेलो गाइस, सभी भाइयों को राम राम। तो इस समय आज हम आए हैं बहरामपुर रोड से। ये देखिए पूरा नज़ारा बहरामपुर का, पूरा बहरामपुर का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। बिल्डिंग के पास हैं हम लोग, टहलने के लिए आए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सब सिटी जो है VIP सुविधा है और घूमने के अच्छी जगह भी है यहाँ। दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं, ये अल्मेडा का पार्क है पूरा। ये आप लोग देख रहे हैं बहुत बड़ा पार्क है और इस पार्क में यहाँ तक पूरा देखिए, ये सब जो बिल्डिंग पूरा ये सब पार्क एरिया है। पार्क तो आप लोग देख सकते हैं, अल्मेडा का ये पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। और आप लोग ये पूरा नज़ारा देखिए पूरे पार्कों का, ये बहुत बड़ा पार्क है। ये बहरामपुर में पड़ता है और आप लोग देख सकते हैं पूरा पार्क ही पार्क है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये पार्क ही पार्क है। दूर देखिए ये बिल्डिंग बहरामपुर। और ये देखिए पूरे बिल्डिंग, भाई घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। और ये बहरामपुर में पड़ता। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे दोस्त लोग हैं, साथ में घूमने आए हैं। तो आप लोगों को हमारे दोस्त लोग से मिलिए, ये हमारे दोस्त लोग हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, मैं ये पार्क में घूमने निकला हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये मैं बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये पूरे बच्चे लोग वहाँ मैच खेल रहे हैं ग्राउंड पे और हम लोग उधर से ही निकलते हुए जा रहे हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये ग्राउंड पे हूँ मैं जब मैच खेल रहे हैं बच्चे ये सारे यहाँ बहुत। दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं, गुरुग्राम का ये बहुत बड़ा डेवलप एरिया है और ये जो अभी ये कार्य प्रगति पे है, देख सकते हैं आप लोग भी बहुत बड़ा पार्क बनने वाला है। और पार्क बन के जब तैयार हो जाएगा तो यहाँ घूमने के लिए भी आप लोग आ सकते हैं। और बहुत बढ़िया नज़ारा है गुरुग्राम में इस समय DLF की बात। हेलो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं सत्तर घाट पर का आप ये नज़ारा देख सकते हैं। आ चुके हैं और आप लोग ये देखिए फ्लैट हैं पूरी। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये फ्लैट 71 का फ्लैट है। इसमें हर चीज़ की सुविधाएं हैं। सुविधाएं मतलब जैसे कि खाना वगैरह कोई भी सामान हो, सब चीज़ यहाँ कैंटीन वगैरह की यहाँ पर उपलब्ध है। और गाड़ी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एरिया है। और ये देखिए पूरा हाईवे यहाँ से निकला हुआ है। ये पीछे पूरा आप लोग देखिए, ये पूरा खुला हुआ है। और ये देखिए आप लोगों को दोस्तों बैक कैमरा से दिखाता हूँ, ये पूरा सीन सेक्टर 71 का आप लोग देख सकते हैं। घूमने की जगह एक नंबर की है। और ये मेरे दोस्त भी साथ में आए हुए हैं। ये देखिए आप लोग पूरा हाईवे का नज़ारा ये देखिए आप लोग। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं DLF एरिया में। आप लोग ये देख सकते हैं पूरा DLF का नज़ारा। आगे अभी आपको और दिख, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से विकसित एरिया है। और ये देखिए पूरा हाईवे यहाँ से निकला हुआ है। ये पीछे पूरा आप लोग देखिए, ये पूरा खुला हुआ है। और ये देखिए लोगों को दोस्तों बैक कैमरा से दिखाता हूँ, ये पूरा सीन सेक्टर 71 का आप लोग देख सकते हैं। घूमने की जगह एक नंबर की है। और ये मेरे दोस्त भी साथ में आए हुए हैं। ये देखिए आप लोग पूरा हाईवे का नज़ारा ये देखिए आप लोग। गाइड मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाता हूँ पूरा सेक्टर 71 का नज़ारा। आप लोग देखिए ये पूरा पार्किंग एरिया है, पूरा ये खाली जगह है। और ये जो बिल्डिंगें दिख रही हैं दूर दूर, पूरा कार्य प्रगति पे है। और इधर से भी देखिए आप लोग ये गाड़ी। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं DLF एरिया में। आप लोग ये देख सकते हैं पूरा DLF का नज़ारा।
आगे अभी आपको और दिख है कि नहीं दोस्तों, हम लोग इस समय DLF इंडिया के अंदर घुस चुके हैं। DLF के अंदर आप लोग देख सकते हैं पूरा नज़ारा DLF का। ये देखिए DLF के अंदर ही घुसे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं पूरा नज़ारा बना था थोड़े के लिए। ये देखते हैं लाल लालू अभी कार्य प्रगति पे चल रहा है DLF में। ये पूरा लालू अपने यूज बढ़ावा DLF के अंदर हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। देखिए ये पूरा नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आप लोग देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं, ये पूरा खेत का एरिया है पूरा। देखिए भाई हम लोग और अंदर प्रवेश हो चुके हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। और आप लोग जानते ही हैं श्री रामचंद्र जी का झंडा भाई लोग ये लेकर के उत्साह चल ही रहा है। 22 तारीख को पूरा वो होगा और आप लोग देख सकते हैं कि भाई जो है झंडा लेकर के आते हुए, ये देख सकते हैं आप लोग पूरा DLF के अंदर का पूरा नज़ारा है। और जय जय श्री राम। देखिए भाई लोग ये पूरा श्री राम का मुख में मग्न होकर के आप लोग देखिएगा, ये पूरा सीन देखिए, अंदर की गलियों का नज़ारा है ये। और हम इस समय आ चुके हैं एक बाग में, ये जो है बाग के पास आ चुके हैं। आप लोग को ये सीन दिखाते हैं, बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ घूमने के लिए, बहुत बढ़िया ही जगह है। ये देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले यही बाग जो अमरूद की बाग है और अभी भी है। और ये और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सामने बिल्डिंग बना हुआ है ये पूरा खाली एरिया था और आज ये पूरी तरह से बन चुका है लकड़ी ला। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं इस समय चौक पे पहुंच चुका हूँ और ये ठंड लग रहा है, तो मैं अपना देख सकते हैं आप लोग ये पूरा सीन, ये पूरा नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। ये जमावड़ा ये बेगमपुर खटोला के जाने के लिए यहाँ से रास्ते हैं, आप लोग देख रहे होंगे ये पूरा सीन, ये नज़ारा आप लोग देख रहे होंगे। ये तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं लेडी फ्लोरेंस पब्लिक स्कूल के पास पहुंच चुका हूं और ये बेगमपुर खटोला में है पूरा सीन। आप लोग देखिए इधर का ये हाईवे है जाने वाला रास्ता, इधर का भी सीन दिखा देता हूं आपको, ये पूरा DLF एरिया है।